हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम बच्चों की है टाइम मैनेजमेंट की और ये बात बिल्कुल सच है हर साल का इस साल का नहीं हर साल का ही है कि मोस्ट बच्चों का जो है पेपर छूट जाता है अकाउंटेंसी का पेपर बहुत लेंदी आता है कुछ कैलकुलेशन ऐसे टफ आ गई कुछ पॉइंट में नंबर आ गए कुछ मल्टीप्लीकेशन खतरनाक अगर आ गई तो बड़ी दिक्कत आती है कुछ रिशियोज ऐसे आ गए क्लास जो बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं डिवाइड देने में सात तीन तेरह ऐसे डिवाइड देने में बहुत प्रॉब्लम आते हैं तो बच्चों का पेपर छूट जाता है और सबसे बड़ा दुख पता है क्या है सबसे बड़ा दुख आता हुआ पेपर छूट जाना लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद किसी बच्चे का आता हुआ पेपर तो नहीं छूटेगा देखो नहीं आता छूटेगा तो और कोशिश करूंगा नहीं आता तो भी ना छूटे तो एंड तक देखना वीडियो तुम्हारा आता हुआ पेपर तो बिल्कुल नहीं छूटेगा इस 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 वीडियो को को देखने के बाद और और अगर तुम इस बात फॉलो करते हो तो और कोशिश भी करेंगे इस बार कि ज्यादा ज्यादा से जादा बच्चों का तीन घंटे पेपर हो जाए तो जो भी मैंने क्लास अपने इलेवन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर जो बच्चों को सिखाया है वो सारी चीज यूज करूंगा जो बच्चों को फीडबैक लिया है आफ्टर एग्जामिनेशन क्लास उसको यूज करके आपको बताने वाला हूं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है यानी कि कुछ अलग से इसके लिए मेहनत नहीं करनी बस इस वीडियो को देख लेना है और छोटी छोटी मिस्टेक जो कॉमन प्रॉब्लम आप करते हैं तो उसको नहीं करना है, राइट? आपका तीन घंटे में हो जाएगा लेकिन इसके लिए एक डिस्क्लेमर और मैं दूंगा आपको अगर तुमने कोई टफ क्वेश्चन देख स्ट्रेस में आ गए परेशानी में आ गए तो तुम्हारा पेपर खराब जाएगा बेटा सच बोल रहा हूं तो जो बच्चा गधा होगा वो मतलब मुझे

आपको क्या करना है पॉजिटिव रहना है पूरे पेपर में ठीक है मुझे ये दिक्कत आ रहा है एकदम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कुछ भी तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही समझ लग जाते है। भाई मुझे नहीं आने वाला मैं रोने वाला हूं नहीं यार ऐसा मत करो बिल्कुल ऐसा मत करो क्वेश्चन पेपर देखो मुझे नहीं आ रहा कोई बात नहीं मैं आगे देखता हूं मुझे नहीं आ रहा इसको बाद में देखूंगा कुछ ना कुछ छेड़खानी करूंगा इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट लिखूंगा कुछ ना कुछ स्टेप लिखूंगा मैं मुझे नहीं आ रहा अच्छा ये आता है चलो अच्छे से मुझे आता है, यस अब मैं इसे करूंगा अच्छे से एकदम ठीक है फिर आगे ऐसे अगर तुम करोगे ना तो तुम्हारा पेपर हो जाएगा बेटा अगर तुम बोलोगे मुझे एग्जामिनेशन के बाद आए कोई बच्चा बोले सर मैं घबरा गया मैं घबरा गई मुझे दिक्कत होगी टेंशन हो गया नहीं क्या पता क्लास आगे के क्वेश्चन अच्छे हों और तुम पहले से रोने लग गए क्या पता आगे कुछ अच्छे क्वेश्चन हो पहला दूसरा क्या पता नहीं आता था? तो बाकी सारे क्या पता आते हो तो एंड ऑफ द पेपर क्लास क्योंकि देखो तुम्हारे रोने से धोने से टीचर नंबर नहीं दे देगा टीचर जो कॉपी चेक करेगा क्लास तो उसके लिए आदमी मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पास तो कॉपी में जो लिखा होगा वही देख के नंबर देगा सीधी सी बात है ये बात दिमाग में ठान लो क्लास कोई इमोशनल ड्रामा वहाँ चलने वाला है तो अच्छे से खुशी से पेपर दे के आना क्लास अच्छे से बाहर आके भले ही रोते रहना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जामिनेशन हॉल में जब तक आप सारे आंसर्स लिख रहे होना के लिए यही सबसे बड़ी जड़ है कि तुम्हें बहुत दिक्कत हो जाती है यही सबसे बड़ी और एक क्वेश्चन आ गया तो उसको बहुत लंबा लंबा आराम से लिखे जा रहे हैं एक घंटे तक नहीं हर एक घंटे में बैल बजती है ये ये का रूल है मुझे नहीं पता वो फॉलो करते कि नहीं हर एक घंटे में बैल बजेगी टन एक घंटा हो गया तो तुम्हें देखना मैं घंटे घंटे में में तक तक पहुंचा हूं। फिर उस इस हिसाब से मेरी स्पीड कितनी है कम है कोई बात नहीं क्लास थोड़ी सी बाद में बढ़ जाएगा लास्ट मूमेंट में बहुत स्पीड होती है लास्ट मूवेट में सब लोग जिसे कुछ भी नहीं आ रहा ना जो पूरे दो घंटे खाली बैठा वो भी लास्ट मूमेंट में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ सोचता है लिखी तो हम परेशान होते क्या लिख रहा है यार अभी तक तो खाली बैठा था अभी ये क्या लिख रहा है समझ रहे हो बात को और तीन घंटे को प्रॉपर यूटिलाइज करना अच्छे से पेपर अच्छा जाएगा आप कैसे करना है कल के पेपर के लिए ध्यान से समझना आप ठीक है या फिर मुझे मुझे नहीं पता यूट्यूब पे ग्लिच चल रहा है वीडियो कब अपलोड होगी मे भी आज ही अपलोड हो आज ही आपका पेपर हो मुझे कुछ नहीं कह सकता लेकिन हाँ तुम्हें काम आ जाएगा वीडियो है। पार्ट ए साठ नंबर का है पार्ट बी बीस नंबर का तुम्हारे लिए लास्ट फोर्टी फाइव मिनट्स मैक्सिमम बोल रहा हूँ लास्ट फोर्टी फाइव मिनट्स इनफ है पार्ट बी के लिए शुरू के बीस नंबर पार्ट बी पैंतालीस मिनट बहुत है तो अगर तुम्हारे पास पैंतालीस मिनट का टाइम बचा हुआ है घड़ी होती है लेके भी जा सकते हो क्या पता लेने ना दे लेकिन घड़ी होती है वहां पर पैंतालीस मिनट में भी अगर तुम क्लास सेक्शन बी पे पहुंच रहे हो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग तुम में से किसी को नहीं करना है कहीं सोचो अरे सर ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया और क्लास सुना ले खरी खोटी समझ रहे हो बात को तो, तो इसीलिए क्लास यहाँ पे फोर्टी फाइव मिनट्स आराम से आप क्लास पार्ट भी दे सकते हो जाता है सबका हो जाता है पार्ट ए की बात करते हैं उसमें क्लास शुरू के एक घंटे में कोशिश करो क्लास सारे एमसीक्यू हो जाए सोलह एमसीक्यू और दो से तीन क्वेश्चन बहुत अच्छी स्पीड है शुरू के क्लास एक घंटे में सारे एमसीक्यू हो जाए दो से तीन क्वेश्चन क्लास हो जाए एमसीक्यू नहीं आता दोनों में तुक्का मार देना जो सही होगा क्लास तुक्का ऑप्शन वाले में जो तुक्का सही होगा उस पर नंबर आपको मिल जाएगा जो भी सही होगा दोनों सही है तो एक पर मिलेगा दोनों गलत तो है किसी पर नहीं मिलेगा कोई एक सही है तो नंबर मिल जाएगा ये रूल सी बेसिक है सारे के सारे एमसीक्यू दो से तीन क्वेश्चन कर लेना लास्ट लास्ट उसके बाद उसके बाद जो भी तुम्हारा एक घंटा बच्चे का यहाँ थोड़ी स्पीड ज्यादा होती है शुरू में स्पीड एकदम मत भगाना क्योंकि क्लास गलती कर बैठोगे स्पीड भगाने से टेंशन लेने से बेवजह सोचने से क्लास क्योंकि तुम इतना कुछ पढ़ गए हो दिमाग में लास्ट मोमेंट मूमेंट बहुत पढ़ाई करिए दिमाग में एकदम घूम रहा है सब चीज सर भारी हो रहा है वहां पर जाके तुमने इधर का उधर लिख दिया पचास की जगह हजार लिख दिया वन बाई की जगह वन बाई लिख दिया कुछ भी मिस्टेक कर देना एक जीरो कम कर दिया जीरो ज़्यादा कर दिया अकाउंट्स में तो ये रिवाल्यूशन गलत तो कैपिटल गलत कैपिटल गलत तो बैलेंस शीट गलत समझ रहे हो बात को तो इसलिए काम डाउन होके एक घंटा पेपर करना शुरू में और फिर क्लास यहाँ पे लास्ट के एक घंटा पंद्रह मिनट जो तुम्हारा तो बचेगा उसमें तुम सेक्शन मतलब कि पूरा का पूरा सत्रह अठारह उन्नीस क्वेश्चन के बाद के सारे क्वेश्चन करना और पार्ट बी में तुम सत्ताईस क्वेश्चन से लेकर चौतीस क्वेश्चन तक पैतालीस मिनट में आराम से कर लोगे चालीस मिनट में भी कर लोगे हाफ आवर में भी कर लोगे अगर तीस, तीस मिनट भी है तो घबराने की कोई बात नहीं तीस मिनट भी इनफ है एक कैश फ्लो का तो क्वेश्चन होता है बाकी तो क्लास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें अब सुनो राइट साइड रफ करना छोटी छोटी बातें जहाँ से क्लास आप बार बार पीछे पन्ना पलटाओगे रफ करने के लिए पीछे पन्ना पलटाओगे बार बार रफ करने के लिए टाइम वेस्ट होता है या कि मानो पूरे के पूरे पेपर में कम से कम तीन मिनट खराब कर दोगे तुम अपने थ्री मिनट्स पीछे कहां फिर पीछे बहुत सारा पूरा का पूरा गुड़ गोबर बन जाता है ढूंढना रही कहाँ नंबर था कहाँ नंबर था पीछे पट रहा यो पीछे कर रहे हो टीचर लगे पता नहीं क्या चिटिंग कर रहा है क्या कर रहा है फर रहे वर इतना लाया बगल में लाइन खींचो क्लास शीट्स में शीट के मार्जिन दो जब तुम्हें क्लास शुरू के पंद्रह मिनट आंसर शीट को भरने का मौका मिलता ना उसी समय क्लास मार्जिन दे दो पूरी की पूरी शीट पर मार्जिन दे दो पूरी शीट पर मार्जिन दे दो क्लास थोड़ थोड़ा थोड़ा मार्जिन दे दो रफ करने के लिए और क्लास रफ करो लास्ट में रफ को कट कर देना कट नहीं भी करोगे चलेगा कट मत करके आना उसमें टाइम लगता है कट ना भी करो चलेगा या फिर फटाफट फटाफट फट, फट, ऐसे लाइन खींचते चले जाना स्केल से मत कट कर ले जाना कट करना कट तो ऐसे हो जाएगा सिंपल स्केल से क्या जरूरत है कट करने की ठीक है इसके बाद क्लास छोटी छोटी कैलकुलेशन माइंड में कर लेना वन बाई सिक्स वन बाई थ्री किसी का परसेंटेज पांच परसेंट है दस परसेंट निकाल के आधा कर दो किसी का बीस परसेंट है तो दस परसेंट निकाल के डबल कर दो दस परसेंट एक जीरो हटाना है छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए पेन मत उठाओ दस हजार प्लस पंद्रह हज़ार पच्चीस हजार सिंप लिख सकते हो यानी कि लिख के कर रहे हो ऐसा करोगे तो हो गया और जहां कैलकुलेशन बड़ी है जीरो को हटा दो लाइक पंद्रह लाख प्लस बीस लाख तो फिफ्टीन और प्लस ट्वेंटी थर्टी फाइव लैक्स ऐसा ठीक है प्लीज़ पूरे पेपर में जल्दीबाजी मत करना एक घंटे तो बिल्कुल भी बिल्ली का होकर जितना पेपर करोगे ना पेपर अच्छा जाएगा मुझे पता है क्लास सबके अस्सी में से अस्सी नहीं आएंगे सबके साठ नहीं आएंगे सब पास भी नहीं होंगे लेकिन क्लास तुम उनमें से हो जो पास होकर दिखाओगे कि तुम अभी भी मेरी वीडियो देख रहे हो एंड तक तुम डेडिकेटेड तरीके से पढ़ रहे हो भगवान का नाम लो कॉन्फिडेंस रखो डेफिनेटली क्लास तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी इसकी मैं गारंटी देता दूँ खुशी खुशी एग्जामिनेशन हॉल के भराओगे बे मतलब टेंशन लेकर क्लास अपना पेपर खराब कर दोगे जो बच्चा टेंशन लेगा उसका पेपर खराब होगा सीधी सी बात है तो टेंशन लेके कुछ होने वाला नहीं है ठीक है रोना धोना करने से कुछ होने वाला नहीं छाती पीट के और उन लोगों पर चले है ना स्पीड स्लो करना क्लास स्टार्टिंग के एक घंटे में क्योंकि क्लास शुरू का जो पेज होता है ना कॉपी का शीट का वो बहुत मायने रखता है शुरू में जो कॉपी क्लास अच्छी होती है तो टीचर की क्लास एक फ्लो बन जाता है राइट लगाने का यकीन मानो क्लास ये फ्लो साइकोलॉजिकल फेनोमन है तो ये फ्लो काम आएगा आगे फिर क्लास थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देना एक घंटे बाद कि भैया मुझे कोप अप करना है और फिर क्लास आप लास्ट सेक्शन में तो जितनी स्पीड थी टीचर को पता होता है टीचर को खुद पता है क्लास टीचर भी तो कभी स्टूडेंट था भैया उसको खुद पता है भैया लास्ट मोमेंट में अकाउंट्स के पेपर में तो ये होना ही होना है राइटिंग जाए भाड़ में तुम्हारा नंबर सही आने चाहिए फिगर सही आने चाहिए पचास हजार ऐसे लिखा हो तो उस टीचर को समा जाएगी हाँ ये पचास हजार है बस कहीं काटा कूटी हो तो एक लाइन खींच दो कोई दिक्कत नहीं उसको ऐसे करके ऐसे करके उसको करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो लास्ट में स्पीड बढ़ा देना दूसरी बात राइटिंग मैटर नहीं करता तुम्हारा आंसर करेक्ट होना चाहिए और कोशिश करना सारे पेपर सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सको मोस्ट सैड मोमेंट तुम्हारा तब होगा जब तुम्हें आता हुआ छूट जाएगा तुम्हें आता हुआ कैसे ना छूटे मैं आपको क्लास बताऊंगा दूसरी बात आप फोकस करना क्लास पूरे आंसर्स पे कि आपका आंसर सही हो बाकी लिखने वाले में ठीक आपने नरेशन शॉर्ट में लिखा नरेशन बड़ा लिखा नरेशन किसी में नहीं लिखा तो जीरो पॉइंट फाइव मार्क्स कट जाएगा नरेशन नहीं लिखा तो नरेशन में टेंशन दे रहा नरेशन लास्ट में लिखा लिखना छूट भी गया तो जीरो पॉइंट फाइव मार्क्स कटेगा चार नंबर में साढ़े तीन तो मिलेंगे छूटना नीचे आता हुआ क्वेश्चन तुम्हें कितना आता है कितना नहीं शुरू के पंद्रह मिनट वाली वीडियोस में लेके आऊंगा एक स्टार्टिंग के पंद्रह मिनट में कैसे करना है उसको जरूर देख के जाना सुबह ठीक है सेक्शन ए में सेक्शन बी सेपरेट करना सेक्शन ए का एक क्वेश्चन सेक्शन बी का मतलब कि फाइनेंशियल वाली जो बुक है उसकी क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन होने चाहिए क्लास भले उसके अंदर ऊपर नीचे हो लेकिन क्लास सेक्शन ए लाइन बाय लाइन तो ऐसा नहीं कि आप सेक्शन बी कर रहे हो पहले तो पहले सेक्शन बी पूरा निपटा लो फिर सेक्शन ए पे जाना सेक्शन ए कर रहे सेक्शन ए निपटा लो फिर सेक्शन बी पे जाना ये करना पड़ेगा क्लास आपको कंप्यूटर अकाउंटिंग हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं हमें देखना भी नहीं है उसको वो ऑप्शनल है अटम्प्ट करना क्लास सोलह एमसीक्यू लाइन बाई लाइन पहले सबसे पहले सोलह एमसीक्यू सी क्यू वन टू थ्री फोर नंबरिंग डाल देना जब शुरू में क्लास आपको मिलेगा ना लाइन खींचने के लिए कॉपी उसी में वन टू थ्री फोर एक एक लाइन छोड़ के नंबरिंग डाल देना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाइन टे सोलह तक सिर्फ सोलह तक और एक एक लाइन छोड़े क्यों क्योंकि क्यों उसमें तो रफ करके लिखना है उसमें तो कोई वर्किंग नोट नहीं दिखाना कोई सोल्यूशन कुछ नहीं सीधा ए पूछ पाच के बीच से लिख दे तो भी नंबर मिल जाएंगे हालांकि ऐसा करना मत और तुम्हें कोई बताएगा भी नहीं क्लास और ज्यादा लास्ट में लोग गलत बता देते हैं और सब सब सेट अलग होगा सभी क्वेश्चन अलग होंगे चिटिंग तो दिमाग से निकाल ही दो उसमें क्या हो तुम्हें टाइम ही वेस्ट होगा मिलेगा कुछ नहीं तुमको ठीक है अटेम्प्ट करो क्लास देन जो भी क्वेश्चन उसके बाद अटेम्प्ट करोगे ना क्लास वो कैसे अटेम्प्ट करेंगे जिनको तुम 100 परसेंट जानते हो सबसे पहले एमसीक्यू लिख दे सोलह नंबर तक कोई नहीं आता तो डैश खाली छोड़ देना उसको बाद में भर देना या छोड़ ही देना उसको कोई दिक्कत नहीं बट लाइन बाई लाइन होना चाहिए तो कत मार के आपको छोड़ना तो है नहीं सी में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं अब उसके बाद तुम्हें जो क्वेश्चन पक्का आता है मुझे सर ये पक्का आता है भले ही वो सेक्शन ए में कोई भी क्वेश्चन हो उसको लिखना नंबरिंग कोई फर्क नहीं पड़ता अब पहले सेवनटीन करो पहले एटीन करो पहले ट्वेंटी करो कोई फर्क नहीं पड़ता आप आराम से जो सबसे पहले अच्छे से आता है उस क्वेश्चन लिखना तो शुरू की जब तुम एक घंटे में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिखो टीचर समझ आ जाएगा बच्चे की कॉपी अच्छी है। तो फिर क्लास समझ जाएगा कि अच्छे नबला वाला बच्चा है और ये क्लास सबके साथ होता है मैं भी टीचर रहूंगा तो अच्छी अच्छी कॉपी में जब शुरू से अच्छा किया है तो अच्छा एक इंप्रेशन पड़ जाता है ठीक है तो यहां पे क्लास आप हंड्रेड परसेंस जानते वो क्वेश्चन करना फिर उसके बाद वो तो देखो तुम हंड्रेड आता हुआ क्वेश्चन कोई बच्चे का छूटेगा नहीं अब कोई बच्चे ये नहीं कहेगा सर मेरा आता हुआ क्वेश्चन छूटे क्योंकि हंड्रेड जो उसे आता है वो पहले ही कर लेगा नाइन्टी भी आता है तो पहले कर लेना फिर वो क्वेश्चन करना जो तुम्हें आधा अधूरा आता है थोड़ा बहुत आता है कुछ स्टेप्स आते हैं आप श्योर नहीं हो फिर उन क्वेश्चन करना ठीक है उसके बाद ठीक है लास्ट में वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है क्लास यहां पे जो तुम्हें नहीं आता सर वो कैसे करेंगे नहीं आता तो कुछ तो स्टेप्स आता होगा एबीसी पार्टनर है पार्टनर के नाम तो लिख सकते हो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइंग रेशो लाइन तो खींच सकते हो रिवोल्यूशन तो अकाउंट बना सकते हो क्या अकाउंट में जर्लिज्म जर्नलिज्म ओपनिंग बैलेंस रिवोल्यूशन गेन लॉस कुछ तो कर सकते हो टीचर को अपना एफर्ट दिखा दो भैया कि मैंने जी जान झोक दी है बस इतना ही बहुत है टीचर को तुम्हारा एफर्ट दिख गया क्लास तुम अच्छे में से पास हो इसकी मेरी गारंटी है टीचर को दिखा दो कि तुमने मेहनत करी आंसर शीट में बस ठीक है पॉजिटिव रहो कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा कोई स्ट्रेस नहीं डिमोटिवेट नहीं आराम से क्लास पेपर करके आना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी सजाई करने की जरूरत नहीं है नॉर्मल प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन होना चाहिए वर्किंग वर्किंग नोट इस आंसर, तो फिर आंसर। तो वर्किंग नोट इज द आंसर आंसर पार्ट ऑफ योर तो के लिए कोई नहीं है सिर्फ वर्किंग नोट लिख के कर देना कोई डेबिट क्रेडिट अगर हम नहीं लिखो तो भी चलेगा मेन आंसर सजा हुआ अच्छा होना चाहिए आपका बहुत ज्यादा भी नहीं टाइम मैटर करता है अगर एक क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कम हो गई तो भी तुम्हें नंबर पूरे मिलेंगे बट एक क्वेश्चन छूट गया तो जीरो नंबर मिलेगा तो प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करेगा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मैटर सारे क्वेश्चन हो जाए जो अच्छे से आते हैं पहले करो फिर आधा अधूरा फिर जीरो आई नो क्लास ये वीडियो आपको बहुत काम आएगी इसे एक-एक बच्चे तक पहुंचाओ क्लास और सुबह भी क्लास वीडियो आएगी सुबह लाइव मिलते हैं सुबह 5:00 बजे और सारा कुछ अच्छे से रिवाइज करते हैं सब कुछ 5:00 बजे हर एक बच्चे का ना आखिरी पेपर एक भी बच्चा सोएगा नहीं सुबह 5:00 बजे से मेहनत करेंगे क्लास सारा सुबह रिवीजन करेंगे साथ में मोटिवेशन और आपका स्ट्रेस भी खत्म होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर गॉड ब्लेस यू